नेक्स्ट क्या देखना है, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, है ना, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना, पॉवर्टी का मेजरमेंट पढ़ना है हमको, क्लियर। अब मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी देखेंगे, उसी में टाइप्स पहले देख लेते हैं हम, टाइप्स और उसको कैसे मेजर करते हैं दोनों एक साथ समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पे हमारा जो चालू होता है टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने तरीके की पॉवर्टी होती है, ठीक है ना, वहीं से समझेंगे और उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं ये भी हम इसी के साथ साथ देख लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो टाइप्स ऑफ पॉवर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये दो तरीके की पॉवर्टी होती है जो हम पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक, और एक को बोलते हैं हम, ये पहला है, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक, रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक। अभी एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है और रिलेटिव पॉवर्टी क्या है ये हमको समझना है अच्छे से, ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। अब याद रख लेना आप, जनरली ये वाले जो कंसेप्ट होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, ये कौन यूज़ करता है, ये जो कंसेप्ट होता है ये डेवलपिंग कंट्री यूज़ करती है इसको, है ना, कंसेप्ट यूज बाई डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज की द्वारा ये यूज़ करती है, ठीक है ना। और ये जो रिलेटिव पॉवर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कंसेप्ट होता है ये यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, यूज बाई, तो वो है डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना, डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक। इवन अगर मैं बात करूं आपसे कि वर्ल्ड बैंक कौन सी डेफिनेशन यूज़ करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक ये वाली यूज़ करता है ना, यूज बाई वर्ल्ड बैंक। जब वर्ल्ड बैंक अपनी पॉवर्टी एस्टिमेशन करता है तो कौन सा अप्रोच को देखता है, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना। ये क्या है, टाइप्स भी हैं, ये टाइप्स ऑफ पॉवर्टी भी हैं, और इसको आप बोल सकते हो ये दो तरीके के अप्रोच होते हैं पॉवर्टी को समझने के लिए, ठीक है ना। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक को होता है रिलेटिव पॉवर्टी, यही चीज़ हमको समझना। तो वन बाई वन करके समझते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है। अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, तो पहली बात ये समझ लो आपको कि ये वाला जो कंसेप्ट है ये कौन, ये कहाँ पर यूज़ होता है, तो ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है ना, यूज़ बाई तो डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड इवन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी जब भी पॉवर्टी एस्टिमेट करती है तो कौन सा अप्रोच को फॉलो करती है, इसी एब्सोल्यूट पॉवर्टी को अप्रोच को फॉलो करती है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें एक्चुअली में किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाला किया किया जाता है, ठीक है ना। ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है ये काहे से डील करता है, जो अभी हमने समझा था ना कि जो बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं उससे अगर आपको डिप्राइव्ड कर दिया गया, ठीक है ना, तो उसको हम बोलेंगे आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी की कंडीशन में। मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब को क्या होता है, ये ऐसी कंडीशन जहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं होती हैं उनसे हम आपको डिप्राइव कर दिए, है ना, वेयर डेप्रिवेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स, है ना भाई। जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होता है, बेसिक ह्यूमन नीड्स मतलब क्या होता है, ये बेसिक एसेंशियल सर्विसेज, है ना, ये जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज होती हैं काहे के लिए ज़रूरी होती हैं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए ज़रूरी होती हैं, है ना, रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना, आपको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रहने के लिए जो एक बेसिक एसेंशियल सर्विसेज होती हैं, जब आपको उन बेसिक एसेंशियल सर्विसेज से आपको डिप्राइव्ड ऑफ कर दिया गया, आपको अलग थलग कर दिया गया, समझ गया, और आपकी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज है ये भी नहीं ले पा रहे हो, तब हमको बोला जाएगा कि आपकी कंडीशन कैसी है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हुआ। मतलब अब ये बेसिक सर्विसेज लेने की बात कहाँ से आ गई, ये बेसिक सर्विसेज वही है जो मैंने आपको बताया, एक बास्केट होता है ना, उन बास्केट पर एक तरफ कुछ गुड्स होते हैं और कुछ सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उनको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पैसे खर्च करना पड़ते हैं, समझ में क्या, उन पैसों को खर्च करने को क्या बल रहा था मैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ये 100 रुपये है, 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, अब ये 100 रुपये खर्च करने के बाद आप ये जो बेसिक सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज हैं इसको ले पा रहे हो, मतलब अगर आप ले पा रहे हो तो आप क्या हो, आप गरीब नहीं हो, अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप गरीब हो। मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये बोला ना जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट होता है, पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट होने का मतलब एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है,
मतलब यहाँ पर क्या बोला मैंने, यहाँ पर एक पॉवर्टी थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक पॉवर्टी थ्रेशोल्ड होती है। थ्रेशोल्ड किसको बोलते हैं, एक वो लिमिट होती है, ये लिमिट जिसके ऊपर अगर आप आ गए, मतलब अगर आप ये सर्विसेज अवेल कर रहे हो, ये गुड्स एंड सर्विसेज आप अवेल कर रहे हो, तो आप पुअर नहीं हो, इसके नीचे हो तो आप पुअर हो। मतलब यहाँ पर पॉवर्टी थ्रेशोल्ड से हम डिसाइड करते हैं कि पॉवर्टी है कि नहीं, समझना क्या, यहाँ पे पॉवर्टी थ्रेशोल्ड होता है जिसको ही हम क्या बोल देते हैं, पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना। तो ये बेसिक ह्यूमन नीड्स, अब ये जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज की बात कर रहा था, क्या क्या इंक्लूड करता है ये, जिसको मैं बोलता हूँ रोटी कपड़ा मकान, फूड वाटर शेल्टर, ठीक है ना, क्लोथिंग, ठीक है, सैनिटेशन, हेल्थ, एजुकेशन, है ना, ये कुछ सर्विसेज होती हैं जो कि भाई किसी भी व्यक्ति के सर्वाइव होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इनको अवेल करने के लिए आप पैसा खर्च करते हो, है ना, वही बोल रहा है ये इस बास्केट में इंक्लूड होती है, इस बास्केट में ये चीज़ होती है। अगर आप इनको अवेल कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप गरीब, समझना का मतलब, यहाँ पर उसको अवेल करने के लिए आपको क्या पैसा खर्च करना पड़ता है, और वही पैसा आप खर्च कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप गरीब हो गए। मतलब ये क्या है, ये एक तरीके का कैसा कंसेप्ट होता है पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम क्या मेज़र करते हैं, हम मेज़र करते हैं एक पॉवर्टी थ्रेशोल्ड देखते हैं, उस पॉवर्टी थ्रेशोल्ड के आधार पर हमने जो भी लिमिट है, जो भी जितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन गरीब है या अमीर है वो डिसाइड करते हैं। मतलब यहाँ पर हम मीज़र कैसे करते हैं, हम मीज़र करते हैं यूजिंग मॉनेटरी वैल्यू, हम पैसे से मीज़र करते हैं, है ना भाई, कि वो गुड्स एंड सर्विस को आप अवेल करने के लिए कितना पैसा दे पा रहे हो, है ना, वो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस को अवेल करने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो। मतलब जैसे यहाँ पे 100 रुपये बोल रहा था, मतलब ये क्या है, मॉनेटरी वैल्यू हो गई ना, कि इस गुड्स एंड सर्विस के लिए इतनी वैल्यू आपको पे करनी पड़ रही है। मतलब यहाँ पर कहे का कंसेप्ट आ जाता है, हम ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी को निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं पॉवर्टी थ्रेशोल्ड, उसको उसमें हम क्या करते हैं, उसको किस कंटेक्स्ट में निकालते हैं, तो भाई मॉनेटरी वैल्यू में निकालते हैं, समझना क्या। मॉनेटरी वैल्यू क्या थी, तो वही जो मैंने आपको बताया कि एक बास्केट होती है, बास्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विस डाल दी जाती है, उस गुड्स एंड सर्विस को अवेल करने के लिए आपको इतना पैसा पे करके वो चीज़ आप अवेल कर सकते हो, समझना क्या। तो ये वाला जो अप्रोच है इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आपको ध्यान में क्या रखना है कि आप बेसिक गुड्स एंड सर्विस से आपको डिप्राइव ऑफ कर दिया गया है, आपको डिनाइल ऑफ गुड्स एंड सर्विस हो गया है, तो आपको बोल दिया जाएगा आप क्या हो, एब्सोल्यूट पुअर हो, समझना क्या। एब्सोल्यूट पुअर में क्या होता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जो बेसिक गुड्स एंड सर्विस चाहिए, बेसिक एसेंशियल सर्विसेज चाहिए, बेसिक ह्यूमन नीड्स चाहिए, वो आप ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे, समझना क्या। और उसको लेने के लिए आपको किस कंटेक्स्ट में देखा जाता है, मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू के तौर पर क्या निकाली जाती है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट निकाली जाती है, समझना क्या। ये एक तरीके का ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच है ये, ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब परंपरागत रूप से भाई, बहुत हम जब से पॉवर्टी वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, जब से हम पॉवर्टी वगैरह समझते हैं, पॉवर्टी लाइन का ये कंसेप्ट आया है, बास्केट का ये कंसेप्ट आया है, तब से हम यही वाले कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। जब भी हम पॉवर्टी का एस्टिमेशन करते हैं तो यही वाले कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, है ना। लेकिन अब कंटेम्प्रेरी समय में थोड़े चेंजेस आ गए हैं, कुछ सोसाइटी डेवलप हो गई तो अपने नए नए मेथड ले आएगी, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सा था पॉवर्टी को जांचने का, वो था आपका जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी यही था, है ना। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कौन यूज़ करता था शुरू से ही, इसको मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ भी यूज़ कर रही हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़, इवन वर्ल्ड बैंक भी इसी को यूज़ कर रहा है ना। तो शुरू से ही वर्ल्ड बैंक और जितनी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो सब क्या यूज़ करती थी, यही वाले अप्रोच को यूज़ करती है। कौन से अप्रोच को, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, समझना क्या। मतलब इसमें जैसे एग्जांपल इंडिया कौन सा अप्रोच यूज़ करता है, तो याद रखना है आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाला टाइप का यूज़ करता है, ठीक है ना। अब एक चीज़ याद रखना है कि भाई ये पहली बात क्या याद रखो कि ये ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब शुरू से ही सबसे ज़्यादा कौन सा वाइडली यूज होता है ये यूज़ करता है। इवन वर्ल्ड बैंक भी कौन सा यूज़ करता है, तो वो भी ये ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को यूज़ करते हैं, समझ में क्या। मतलब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम रिलाई काहे पे करते हैं, रिलाई करते हैं हम पॉवर्टी लाइन पर, है ना। एक पॉवर्टी थ्रेशोल्ड होती है ना, पॉवर्टी थ्रेशोल्ड होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, पॉवर्टी लाइन बोलते हैं,
समझ में। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो पॉवर्टी लाइन है ये चेंज होनी चाहिए समय के अनुसार और ज्योग्राफी के अनुसार, बट ये क्या होता है, ये जो पॉवर्टी लाइन होती है ये कैसी होती है, कॉन्स्टेंट रहती है ना, कॉन्स्टेंट रहती है। कॉन्स्टेंट रहने का मतलब होता है ये कॉन्स्टेंट कैसे, अक्रॉस अक्रॉस ज्योग्राफी ज्योग्राफी एंड टाइम, मतलब समझो इसको, जैसे मान लो ये इंडिया है ना, ये ईस्ट इंडिया है वेस्ट इंडिया है, ईस्ट इंडिया वेस्ट इंडिया, ठीक है, ये साउथ ईस्ट मान लो, ऐसे मत मानो इसको, ऐसे ले लेते हैं, ये ईस्ट इंडिया ये वेस्ट इंडिया, ये नॉर्थ इंडिया ये साउथ इंडिया, ठीक है ना। अब देखो ये जो पॉवर्टी लाइन होगी पूरे इंडिया के लिए सेम होगी, ईस्ट के लिए भी सेम है, वेस्ट के लिए भी सेम है, नॉर्थ के लिए भी सेम है, साउथ के लिए भी सेम है। मतलब ये ज्योग्राफी क्या होती है, ज्योग्राफी मतलब स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम ज्योग्राफी, स्पेशियल मतलब फैला हुआ है अलग अलग एरिया में, सारे एरिया में कहीं भी जाओ पॉवर्टी कॉन्स्टेंट रहने वाली है। पॉवर्टी लाइन का जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो ये पॉवर्टी लाइन ये जो हम निकाले थे, ये लाइन का जो कैलकुलेट करते हैं, ये सब के सारे एरिया के लिए सेम रहने वाली है, इसीलिए बोलते हैं कि कॉन्स्टेंट रहती है पूरे ज्योग्राफी में। दूसरा टाइम में भी कॉन्स्टेंट होती है, मतलब भाई आज से 10 साल पहले भी वही थी, है ना, आज भी वही है और हो सकता है 10 साल बाद भी वही रहे, समझ में आ गया। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, और ख़ास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रेंड यही देखा जाता है कि भाई ये जो पॉवर्टी लाइन होती है टाइम में भी, मतलब 10 साल पहले, 10 साल पहले ये प्रीवियस है, ये प्रेजेंट है, ये और आगे वाले आने वाला है, समझ में आ गया, ये फ्यूचर है, तो भाई ये रिलेटिवली सेम ही रहती है। आज भी देखो आप कि भाई आज जो पॉवर्टी एस्टिमेशन है, जो कमिटीज़ आज से 2005 के पहले बोल रही थी वही कमिटीज़ का आज भी फॉलो होता है, आज 15-20 साल बाद भी वही चीज़ हम यूज़ करते हैं। मतलब भाई ये क्या होता है, जनरली इनको टच नहीं करती है, ये ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है। इवन वर्ल्ड बैंक ने भी ये पॉवर्टी लाइन को बोला था $1.9 के आसपास, है ना, $1.91 के आसपास, उसको भी इसने क्या किया, आज तक वही पॉवर्टी लाइन का ये वही रखा गया है, आज तक ये चेंजेस नहीं की गई हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये जो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट है ये रिलेटिवली कॉन्स्टेंट होता है, ये भी याद रखना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है ना ये थोड़ा सा कॉन्स्टेंट होता है, यही बात करेंगे, रिलेटिव पॉवर्टी में तो वो चेंज होता रहता है, लेकिन ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है यहाँ पर ये जो कंसेप्ट होता है पॉवर्टी लाइन का, ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट द ज्योग्राफी और थ्रू आउट द टाइम। टाइम में भी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते, हार्डली चेंज होगा तो 1-2 रुपये, मतलब कोई मतलब नहीं है पॉवर्टी लाइन का आपका अपडेट करने का, मतलब ये पॉवर्टी लाइन फ्रिक्वेंटली अपडेट ही नहीं होती हैं, और होती भी हैं तो कोई उसमें चेंजेस नहीं नज़र आते, मतलब ये रिलेटिवली कॉन्स्टेंट ही रहती, ये एक दिक्कत होती है इनके साथ एब्सोल्यूट पॉवर्टी वालों के साथ, समझ में, कि जब एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या, अब मैं आपको बताता हूँ ये रिलेटिव पॉवर्टी का क्या कंसेप्ट है। रिलेटिव पॉवर्टी तो पहली बात तो ये याद रखो ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है, कंसेप्ट ये यूज़ किया जाता है यूज्ड बाय, तो ये याद रख लो आप, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ बोल लो, एडवांस कंट्रीज़ बोल लो, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ बोल लो, ठीक है ना, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो ये वाला कंसेप्ट को फॉलो करती है ना, वहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज़ होता है। अब ये रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है, रिलेटिव पॉवर्टी में क्या देखा जाता है, मान लो ये एक देश है, इस देश में ये लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, ठीक है, इतने लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत तरीके के लोग रह रहे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं इनमें क्या किया जाएगा, हम इस देश की एक मीडियन निकाल लेंगे, मीडियन इनकम निकाल लेंगे, मतलब समझो एक तरीके से एवरेज निकाल लिए, है ना, कि एवरेज इनकम क्या है, यहाँ के लोग आम तौर पर क्या एवरेज इनकम है, तो हम क्या करेंगे उस मीडियम इनकम को निकाल लिए, मतलब हमने क्या निकाल लिया, मीडियन इनकम निकाल लिया, ठीक है ना, मीडियन इनकम मतलब क्या है, वो एक तरीके की एवरेज इनकम है पूरे देश की, एवरेज इनकम मतलब देश में हर व्यक्ति कितना इनकम कमा रहा है, हो सकता है ये 40,000 कमा रहा हो, ये 60,000 कमा रहा हो, ठीक है ना, ये ब्लैक वाला 80,000 कमा रहा हो, समझ में आ गया, और ऐसे करके ये वाला ब्लैक वाला है ये 30,000 कमा रहा हो, ये 10,000 कमा रहा हो, ये 5,000 कमा रहा हो, ये 7,000 कमा रहा हो, ये 8,000 कमा रहा हो, ये 25,000 कमा रहा है, ये 20,000 कमा रहा है, मतलब कोई अलग अलग, सब लोग अलग अलग पूरे देश में कमा रहे हैं,
लेकिन मैंने क्या किया, एक मीडियन निकाल लिया, मीडियन निकाल लिया कि भाई मतलब एक तरीके से मैंने पूरे देश में निकाला कि एवरेज, ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति कितना कमा रहा है, और मेरे को पता कि भाई 30,000 जो है ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति पर मंथ कमा रहा है, समझना क्या, तो मतलब ये लिमिट हो जाएगी इनके लिए 30,000। अब कोई भी व्यक्ति जो 30,000 से नीचे वाला होगा वो इनके हिसाब से गरीब है, तो मतलब रिलेटिवली पुअर है, समझना क्या, ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हैं पूरे लोग मिलकर के 30,000 पर मंथ, लेकिन यहाँ पर 15,000 वाले भी हैं, यहाँ पर 20,000 भी हैं, यहाँ पे 25,000 भी है। अब हो सकता है कि 15,000 20,000 25,000 इसको स्पेंड करते हो आप, है ना, इसको आप स्पेंड करते हो, इसको स्पेंड करने के साथ साथ आपको जो बेसिक सर्विसेज हैं, है ना, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो आपकी फुलफिल हो जा रही है, समझना क्या, मतलब रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन इतना आपका खर्चा चल जा रहा है, फिर भी आपको गरीब माना जाएगा, क्योंकि क्योंकि हम यहाँ पर रिलेटिव कंसेप्ट देते हैं, मतलब हम कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर क्या होता है एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन होता है ना, एलिमेंट ऑफ कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन किससे करते हैं, कंपैरिजन करते हैं भाई एक मीडियम एवरेज से, है ना, एक मीडियम इनकम से, कि भाई इस ये ऑन एन एवरेज हमारे देश में व्यक्ति है जो इतना तो हर व्यक्ति कमाता ही कमाता है, ये एक एवरेज निकाल ली, लेकिन आप उससे भी कमा रहे हो, है ना, उससे भी कम कमा रहे हो, तो मतलब भले ही आपका जो बेसिक नीड्स 15-20 हज़ार में आपका फुलफिल हो जा रहा हो, पर फिर भी आप क्या कहलाओगे, गरीब कहलाओगे, क्यों, क्योंकि ऑन एन एवरेज जितने लोग यहाँ पर कमा रहे हैं आप उतना नहीं कमा पा रहे हो, समझा क्या, मतलब 30,000 से जो नीचे रहेंगे वो क्या कहला जाएंगे, रिलेटिवली पुअर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे रिलेटिव पॉवर्टी का कंसेप्ट यहाँ पे आ गया, समझा क्या। ये कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है कि भाई ये वेस्टर्न कंट्रीज में, एडवांस कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज में यूज होता है, मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लोग इससे कंसर्न नहीं है, ये लोग उससे कंसर्न नहीं है कि आपका बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ये काहे से कंसर्न है, ये लोग मोर कंसर्न होते हैं, मोर कंसर्न अबाउट, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पर भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही था, बट वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ये था कि भाई बेसिक ये जो थी बेसिक ह्यूमन नीड्स आपके फुलफिल हो जाए और आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी लो बस, समझा क्या। लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है, इनके हिसाब से वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इनके हिसाब से वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है कि जितना ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति खर्च करता है वो आप नहीं कर पा रहे हो, समझा क्या, मतलब एक अच्छी लाइफ ऑन एन एवरेज इतना लोग इतना खर्च करते हैं तो उनके हिसाब से ये इतना 30,000 जो पैसा कमा रहा है वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ होगा इनके हिसाब से, इनकी सोसाइटी में, समझा क्या, मतलब ये लोग काहे से होते हैं कंसर्न होते हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, मतलब जितना अच्छा हो सके ये लोग उससे कंसर्न होते हैं। वहाँ पर अगर डिफरेंस आपको बताओ रिलेटिव में और पॉवर्टी में, तो वहाँ पर बस बेसिक एसेंशियल सर्विस को आप अवेल कर पा रहे हो कि नहीं, इस पर आपकी पॉवर्टी डिफाइन होती है। यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी अच्छी है इस पर आप पॉवर्टी डिफाइन होता है, समझ में आ, और वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ से टेस्ट करते हैं हम कि भाई ऑन एन एवरेज लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन की अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है और आपकी अगर उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी है या उससे अच्छी है तो आप पुअर नहीं हो, अगर आपकी उससे कम है तो फिर आप क्या कहला जाओगे, पुअर कहला जाओगे, समझ में आ। इसमें क्या होता है, एलिमेंट ऑफ कंपेरिजन होता है, मतलब आप कंपेयर करते हो कि उसके कंपेरिजन में मैं कितना कमा रहा हूँ, समझ में आ, ये होता है, ये बात याद रख लेना, समझ में आ। जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पर वो 30,000 कमा रहा है, पर मान लो कि भाई एक व्यक्ति है यहाँ पर जिसकी पैकेज है भाई 10 करोड़ का पैकेज है, तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया, पुअर हो गया कि नहीं हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में तो फिर हर एक व्यक्ति के साथ कंपेयर करोगे, तो हम हर एक व्यक्ति से नहीं करते हैं, हम एक जो नेशनल पूरे देश की एक एवरेज इनकम होती है, मतलब एवरेज ना बोल करके हम टर्म यूज़ करते हैं मीडियन इनकम, तो जो मीडियन इनकम होती है उसके आधार पर हम टेस्ट करते हैं कि भाई क्या हम उस पैरामीटर पर अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर अचीव कर पा रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप गरीब हो, समझ में आ गया ना। मतलब यहाँ पर हो सकता है रिलेटिव पॉवर्टी में, हो सकता है रिलेटिव पॉवर्टी, है ना, इसमें ये हो सकता है कि बेसिक एसेंशियल जो नीड्स हैं, है ना, वो आपकी फुलफिल हो जाए, हो सकता है, बट फिर भी आपको क्या होगा, स्टिल आप पुअर कहला सकते हो, स्टिल यू विल बी ट्रीटेड एज पुअर, क्यों, क्योंकि भाई मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे आप मैच नहीं कर पा रहे हो, समझ में आ गया ना, ठीक है।
लेकिन ये याद रखना है कि अब ये स्टैटिक होगा कि ये डायनामिक कंसेप्ट होगा भाई, ये डायनामिक कंसेप्ट होता है, डायनामिक कंसेप्ट है ना। वहाँ पे क्या बताया था मैंने कि वो जो पॉवर्टी लाइन होती है रिलेटिवली फिक्स्ड होती है, कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन ये जो गैप है ना, ये जो गैप होगा रिलेटिव पॉवर्टी का, ये एक बेंचमार्क है, ये व्यक्ति यहाँ पे नीचे है। आज 30,000 कमा रहा है, हो सकता है कि भाई 2 महीने बाद उसका 50,000 हो जाए तो फिर वो ऊपर उठ जाएगा, तो फिर वो गरीब नहीं रहेगा, समझ में आया। प्लस इस सोसाइटी में ये जो बेंचमार्क है ये भी यही नहीं रहने वाला है, देश की इकोनॉमी ग्रोथ होगी है ना, इकोनॉमी ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी है ना, तो ये जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ये जो लाइन था, ये जो ग्राफ था, ये ऊपर उठ जाएगा। वहीं पर अगर क्राइसिस आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है ना, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई मतलब आपको भाई मंदी चल रही है, आर्थिक मंदी चल रही है, डिफ्लेशन का समय है, तो भाई ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अभी ये जो लोग 30,000 में हो रहे थे गिर के 15,000 हो जाएगा, समझा क्या, 15,000 हो जाए। तो ये एक डायनामिक कंसेप्ट है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, फ्रिक्वेंट चेंज होता रहता है, रिलेटिव कंसेप्ट। अब देखो अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट पॉवर्टी ये और रिलेटिव पॉवर्टी में, मैटर कौन सी चीज़ करती है, मैटर कौन सी चीज़ करती है ज़्यादा। देखो मैटर तो सभी करेगी, दोनों का ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वालिटी लाना है ना, इक्वालिटी लाना, दोनों का ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्वालिटी लाना, ठीक है। बट रिलेटिव पॉवर्टी में क्या होगा कि भाई ये होता है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की लाइफ को अच्छा बना लें, इससे कंसर्न होता है ना, कि भाई जितना अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम दे दें वो उससे कंसर्न होता है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहाँ से कंसर्न करेगा कि भाई हम बेसिक फैसिलिटीज़ तो एटलीस्ट उनको दें, बेसिक एमिनिटीज़ जो ह्यूमन नीड्स होती हैं, बेसिक जो गुड्स एंड सर्विस जो एक ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए चाहिए वो उसको मिल जाए, हम इतना इंश्योर करके चले, ये होता है यहाँ पर। तो भाई कम से कम ये तो सेटिस्फाई हो, ये हर कोई सोसाइटी चाहती। जब आपने ये सेटिस्फाई कर लिया, मतलब ये प्री स्टेज होता है, समझना क्या, इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, इसको प्रेफरेंस देना चाहिए। कम से कम ह्यूमन बेसिक नेसेसिटी तो आप फुलफिल कर दो, इस पर फोकस करना चाहिए, इसीलिए सारी डेवलपिंग कंट्रीज इसी पे फोकस करती हैं। एक बार जब आपने बेसिक एमिनिटीज को पूरा कर लिया, तब फिर आप चाहोगे ना कि भाई हमारे देश में जो एक व्यक्ति 30,00,000 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, तो ये गैप क्यों रहे, आप तो यही चाहोगे कि भाई ये गैप कम हो और सारे व्यक्ति हमारे देश में ऑन एन एवरेज 30,00,000 रुपये का पैकेज हो, है ना, वे ज़्यादा से ज़्यादा कमाए। तो भाई ये तो तब होगा ना जब आप कम से कम इस स्टेप को जब पूरा कर लोगे, तब ये स्टेप में जा पाओगे आप, समझ में आ रहा है। तो भाई देखो अब ये जो है यहाँ पे समझना, ये ऐसा होता है, ये अगर कुर्सी है, मतलब कुर्सी बोलो, ये क्या है, स्टेप है ये, ठीक है ना, सीढ़ी है ये, तो यहाँ पर आएगा आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ठीक है ना। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बाद आप बढ़ोगे रिलेटिव पॉवर्टी में, समझ में आ गया। आपको ये अप्रोच होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ बढ़ना चाहिए, समझ में आ ना, मतलब पहले इसको आप सेटिस्फाई कर लो, इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ यहाँ पे हैं और डेवलप्ड कंट्रीज़ यहाँ पे हैं, है ना, डेवलप्ड कंट्रीज़ ऊपर हैं। ये मोर कंसर्न है कहाँ से, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना, ये कहाँ से कंसर्न होता है कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम क्या करें, फुलफिल कर पाए, समझा क्या। तो भाई रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी है ना, ये हमेशा ये प्रैक्टिकली हम कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना, कि भाई हर व्यक्ति को बेसिक सर्विस हम दे सकते हैं, लेकिन ये कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, है ना। रिलेटिव पॉवर्टी तो हमेशा बनी ही रहेगी भाई, क्योंकि भाई अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स हैं, सबके अलग टैलेंट होते हैं, अलग अलग उनके पास फैसिलिटीज़ हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो उस हिसाब से भाई ज़रूरी नहीं है ना कि आप डॉक्टर हो मैं डॉक्टर हो तो एक ही बराबर कमाएंगे, आपके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, आपके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ होगा तो आप ज़्यादा कमा सकते हो, तो ये वाला प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। रिलेटिव पॉवर्टी को आप कभी भी बोल, हाँ थ्योरेटिकली ज़रूर बोलते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, बट ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी लोगों में बहुत ज़्यादा है, तो अलग अलग लोग अलग अलग फ्रंट पर खड़े हुए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो उस हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, और ये गैप हमेशा क्या होगा कि भाई कुछ नहीं बोला जा सकता, कम ज़्यादा होता रहेगा, लेकिन कभी भी इक्वल नहीं ला सकते आप। बट एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम ख़त्म कर सकते हैं, समझा क्या, हर व्यक्ति को हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें आप दिलवा दो तो पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी हम क्या करते हैं कि भाई एक गोल रखा है कि हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी को ख़त्म करना, समझा गया।
पॉवर्टी को हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन कौन सी पॉवर्टी की जब कभी बोला जाता है कि हम पॉवर्टी खत्म करेंगे तो काहे की बात करता है, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करता है। थोड़ा सा दिमाग में रख लेना ये बात। यूएन भी कौन से पॉवर्टी को खत्म करने की बात करता है, वर्ल्ड बैंक कौन सी पॉवर्टी की बात करता है, ये सब काहे की बात करते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसको आप प्रैक्टिकली खत्म कर सकते हो, इसको आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, समझना क्या। और हर देश का कंसर्न क्या होता है, सबसे पहले ये तो बाद की बात है, वो तो सिर्फ थ्योरेटिकल ही कंसेप्ट है, समझना क्या, यूटोपियन कंसेप्ट है बस और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये रहे थ्योरी में बस अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कभी नहीं कर सकते आप इन चीज़ों, समझना क्या। तो ये कार्ल मार्क्स वाली जो चीज़ें हैं, जैसे वो बोलते हैं कि एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी, तो वो कभी हो ही नहीं सकता, सिर्फ वो काल्पनिक में पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है बस, समझना क्या, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या कि भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी और वो कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है ना, मेजरमेंट ऑफ एब्सोल्यूट और ठीक है। अब क्या देखना है अपन को, अब देखना है हमको डेटा कलेक्शन मेथड, ठीक है, डेटा कलेक्शन मेथड। डेटा कलेक्शन मेथड का मतलब क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये है एनएसएसओ, ये क्या कंडक्ट करेगी, सर्वे कंडक्ट करेगी, है ना। सर्वे कंडक्ट करने के बाद इसको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा। ये सर्वे किससे कंडक्ट कराएगी, ये सर्वे कंडक्ट कराती है लोगों से, पीपल से, है ना, उनसे सर्वे कंडक्ट किया, ये डेटा कहाँ पे दे देगी, मैंने आपको बताया नीति आयोग का टास्क फोर्स है, ठीक है ना। नीति आयोग टास्क फोर्स उस डेटा को क्या करेगा, एनालाइज करेगा, डेटा विल बी एनालाइज बाई ये नीति आयोग का टास्क फोर्स, फिर वो क्या करेंगे, उस हिसाब से पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेंगे, ठीक, क्लियर है। तो अब ये जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये डेटा कलेक्ट करने के कौन से मेथड होते हैं, है ना, यही हम बात कर रहे हैं। ये जो डेटा यहाँ से लेगी ना, तो इसके ये तीन तरीके का हमको पढ़ना है। ये तीन तरीके के क्यों पढ़ना है हमको, क्योंकि अभी हम देखेंगे बहुत सारी कमिटीज़ आएंगी, है ना, वो कमिटीज़ बोलेंगे कि भाई इसने ये वाला मेथड यूज़ किया था डेटा कलेक्शन के लिए, है ना, फिर उसके आधार पर देखेंगे कि भाई ये अच्छा मेथड माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लोगों को कवर करेंगे, कि ये वाला डेटा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा लोगों को कवर करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा होगा, इन सब चीज़ों के समझने के लिए हमको पता होना चाहिए कि डेटा कलेक्शन मेथड में कौन कौन से तरीके होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जिसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, है ना, जिसको हम बोलते हैं यूआरपी मेथड। अब इसको समझते हैं, ये क्या यूआरपी जो मेथड है, ये वाला कब यूज किया जाता था, तो ये वाला यूज किया जाता था यूज अप टू जो 1993-1994 का समय है, है ना, उसको वहां तक हम इसको यूज कर रहे थे, समझने का मतलब। ये बहुत पुराना कंसेप्ट है, ये बात याद रख लो, बट फिर भी अलग अलग कमिटीज़ में जब हमको क्या है, हमको तो भाई बस लेटेस्ट वाला पता होना चाहिए, बट फिर भी जब हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं ना, तो भाई हमको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा यहाँ से यहाँ इवोल्यूशन हुआ है, तो आप बेटर तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हो, समझ में। अब इसको यूज़ किया जाता था कब, 1993-1994 तक ही यूज़ किया, उसके बाद ये वाला ख़त्म कर दिया जाता था। इसमें क्या होता था, देखो ये इसमें क्या होता था, है ना, इसमें क्या इन्वॉल्व किया जाता था, इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व करता था, कि ये पीपल्स हैं, है ना, इन पीपल से क्या किया जाएगा, ये जो एनएसएसओ जो सर्वे कंडक्ट कराती थी, ये लोगों से पूछती थी, क्या सवाल जवाब करती थी, आस्क क्वेश्चन। वो क्वेश्चन काहे से रिलेटेड होता है, कि भाई आप पिछले 30 दिन में आप जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था आपका, वो आप रिकॉल करके हमको बताइए, कि भाई आपने ये जो गुड्स एंड सर्विस जो भी अवेल की पिछले 30 दिनों में, है ना, जो भी गुड्स खरीदे, जो भी सर्विसेज ली, उसके लिए आपने कितना कितना पैसा खर्च किया पिछले 30 दिन का, आप हमको ये डिटेल में दे दो रिकॉल करके, समझना क्या। तो यहाँ पर क्या देखा जाता था, काहे से क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन अबाउट देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर काहे का होगा, Across 30 days recall period, ठीक है ना, 30 days का जो recall period होता है, उसमें recall करो और आप क्या कर दो, अपने consumption जो भी आपने खर्च किया है किस किस चीज़ में, उसको बताओ।
उससे ये डेटा कलेक्ट करते थे, समझ में, ऐसे ये डेटा कलेक्शन करते हैं। ठीक डेटा कलेक्शन नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, नेक्स्ट बोल रहा हूं कि मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड क्या होता है। अब समझो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड मतलब एमआरपी, मिक्स्ड इसको बंद कर, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ठीक है। अब ये मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड क्या होता था, इसको हमने कब यूज किया, इसको हमने चालू किया 1999 और 2000 के आसपास, ठीक है ना, फ्रॉम 1999 2000 ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहां से हमने ये मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड यूज करना चालू किया, किसने, हमने मतलब एनएसएसओ ने, ठीक है ना, स्विच्ड, स्विच कर ली, पहले क्या यूज करती थी वो, अभी मैंने आपको बताया यूआरपी, ठीक है ना, स्विच्ड, अब कहाँ से स्विच कर लिया उसने, उसने स्विच कर लिया अपने आप को एमआरपी पर, यूआरपी से कहीं पे आ गई, एमआरपी पे आ गई। अब इसमें क्या किया जाता था, देखो कैसे वो डेटा कलेक्ट करती थी, इसने क्या कर दिया, जब डेटा कलेक्ट करती थी, अभी हमने क्या दिया था कि 30 डेज का रिकॉल पीरियड होता था, इसने दो पार्ट में कर दिया, एक को बोला कि आप 30 डेज में रिकॉल पीरियड करो, 30 डेज का रिकॉल पीरियड हो गया, और एक हो गया 1 ईयर का रिकॉल पीरियड, है ना, 1 ईयर का, 1 ईयर में आपने क्या गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च किया है उसका रिकॉल करो और हमको बताओ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर 1 ईयर के लिए, तो यहाँ पे कौन से आइटम थे, यहाँ पे बोल रहे थे हम, इसको बोलते हैं हम ये लो फ्रिक्वेंसी आइटम है, ठीक है ना, ये लो फ्रिक्वेंसी आइटम है, लो फ्रिक्वेंसी आइटम, जैसे कि आपने क्लोथिंग में कितना पैसा खर्च किया है, फुटवेयर में कितना पैसा खर्च किया है, ठीक है ना, आपने एजुकेशन में कितना पैसा खर्च किया, आपने ड्यूरेबल्स में कितना पैसा खर्च किया, ठीक है ना, आपने हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना किया है, ठीक है ना, ये इसका आप रिकॉल करो पिछले एक साल में इनसे रिलेटेड आपने कितना पैसा खर्च किया है, किस किस सेक्टर में, समझ में, इतने इतने डायमेंशन में, मतलब ये पाँच है, देखो ये फाइव कैटेगरी थी, इनको आप बताओ कि इनमें से आपने कितना सर्विस अवेल करने के लिए कितना पैसा खर्च किया, ये गुड्स खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च किया, रिकॉल करके हमको ये बताइए। और 30 दिन के लिए उन्होंने क्या बोला, जो अदर आइटम्स है, ऑल अदर आइटम्स, है ना, इसको कब रिकॉल करके बताना है आपको, 30 दिन में, कि इनके लिए बोला कि एक साल में आपने कितना पैसा खर्च किया है इन सब चीज़ों के लिए, ये बताओ, और बाकी चीज के लिए जो भी आप जानते हो, फूड ग्रेन्स वगैरह सब इसमें आ जाएंगे, है ना, फूड ग्रेन्स, ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है ना, मतलब राशन वगैरह ये सब इसमें आ गया, तो ये आप पिछले 30 दिन का बताओ, ठीक है ना, मिल्क हो गया, मीट हो गया, ये सब चीज़ें आप पिछले 30 दिन का बताओ, तो यहाँ पर दो कैटेगरी बना दी उसने, समझ में क्या, तो इसको क्या बोलने लगे हम, इसको बोलने लगे एमआरपी, मतलब मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, क्लियर है, इसको फॉलो करने लगे, ठीक। तो ये दूसरा, सेकेंड डेटा कलेक्शन का दूसरा मेथड। अब थर्ड क्या था, थर्ड को बोलते हैं हम मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ठीक है ना, मतलब मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ठीक। अब ये मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड क्या है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो अभी हमने पढ़ा मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, इसको ही मॉडिफाई कर दिया, इसको ही मॉडिफाइड कर दिया, और क्या लेके आ गए, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ठीक, क्लियर है। अब इसमें क्या करा जाता था, इसने तीन कैटेगरी कर दी, अभी तक दो कैटेगरी थी, इसने तीन कैटेगरी, एक बोला 365 का रिकॉल पीरियड आप बताओ, एक को बोला कि 7 डेज का रिकॉल पीरियड रहेगा, और एक को बोला कि 30 डेज का रिकॉल पीरियड का। ये 30 डेज तो उसमें था ही, 365 भी पिछले में देख लिया था, इन्होंने नया इंट्रोड्यूस कर दिया 7 डेज का, है ना, आप देखेंगे कौन कौन सी चीज़ों को 7 में रख दिया। 365 में वही जो 5 फ्रिक्वेंसी वाले जो अभी देखे, 5 फ्रिक्वेंसी जो थी, लो फ्रिक्वेंसी वाले आइटम थे, आइटम्स, उसको वो 365 में ही रखा। जैसे कि कौन से आइटम अभी बताया, क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, ठीक, ड्यूरेबल्स,
जो ड्यूरेबल गुड्स हैं, और फिर हेल्थ, ये पांच आइटम जो थे ये लो फ्रिक्वेंसी आइटम थे। इसमें आपने कितना पैसा खर्च किया पिछले एक साल में उसका डेटा दे दो आप, तो उसको क्या बोलेंगे आप, एक कैटेगरी हो गई। दूसरे कैटेगरी में ये क्या कर रहे थे, 7 दिन का डेटा निकाल रहे थे। ये 7 दिन में कौन कौन से आइटम थे, इसमें बोल रहे थे हम जैसे एडिबल ऑयल है ना, एडिबल ऑयल, नेक्स्ट एग, नेक्स्ट फिश, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इंटॉक्सिकेंट्स, रिफ्रेशमेंट्स, ठीक है, फ्यूल, लाइट, फ्यूल बोल रहा हूँ सॉरी, ये क्या हो गया, रिफ्रेशमेंट, ठीक है, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट, टोबैको, इसका आप बताओ कि क्या है, कि भाई इसका आपने पिछले 7 दिन में कितना कितना पैसा खर्च किया, इसका एक्सपेंडिचर का आप बता दो हमें, है ना, इसका जितना भी खर्च किया हो। थर्ड कैटेगरी में क्या हो गया, 30 डेज का रिकॉल पीरियड, इसमें क्या हो गया, रिमेनिंग फूड आइटम, रिमेनिंग फूड आइटम प्लस इसके साथ फ्यूल, इसके साथ लाइट, रेंट आपने कुछ दिया होगा, टैक्सेस पे किए होंगे, ये सब का ब्यौरा दे दो आप, समझा क्या। तो इसने क्या किया, 3 कैटेगरी कर दी, क्लियर है। तो कुल मिला के आपको क्या पता होना चाहिए, ये सब नहीं रटने का जरूरत है, समझा क्या, ये सब रटने का जरूरत है, बस इतना याद रखो कि अलग अलग तरीके से डेटा कलेक्शन होता था जिसमें कवरेज बढ़ रही थी, कवरेज के साथ साथ वो पहले सिर्फ एक चीज फॉलो करते हैं जिसमें सिर्फ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस को ही डील कर रहा था, इसमें भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विस, बट थोड़ा सा उनका पैरामीटर बढ़ता जा रहा है, हर बार पैरामीटर बढ़ता जा रहा है और रिकॉल पीरियड भी चेंज होते जा रहे हैं। ये इतना बस आपको पता हो कि भाई जब कभी मैं यूज़ करूँ, MRP यूज़ कर रहा है, MMP यूज़ कर रहा है या URP यूज़ कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा उसमें सिर्फ 30 दिन का रिकॉल पीरियड ले रहे थे, 30 दिन का रिकॉल पीरियड लेने का मतलब क्या है कि वो भाई ये जो आपका ये सब चीज़ों को इग्नोर मार रहा था, वो समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, है ना, 30 दिन के रिकॉल पीरियड में। लेकिन वही चीज़ हम देख रहे हैं इनमें, इन सब चीज़ों का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, हर चीज़ में इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। अब आप अगर मीट भी खा रहे हो तो वो भी समझ में आ रहा है कि ये बेसिक एसेंशियल में इंक्लूड कर रहा है, समझ में आ गया। आप भाई एग भी ले रहे हो तो वो उसमें वो कर रहा है, समझ में आ गया ना। तो भाई ये अंदर क्या है वो नहीं पता होना चाहिए, बट फिर भी हमको क्या पता होना चाहिए कि भाई ओवरऑल आखिर किसमें क्या कितने तरीके से कैटेगराइज कर दिया है, कितने तरीके से पार्ट में बांट दिया है और क्या क्या चीज़ें उसमें ओवरऑल इंक्लूड की जा रही है, समझ में आ गया। तो बस एक रफ आइडिया हो आपको, बस यही आप ध्यान में रखना।